बेराड़ मंडी में सरसों बेचने आए किसानों ने व्यापारियों द्वारा डाक बोली न लगाने के विरोध में सोमवार दोपहर मंडी गेट के सामने पोहरी मोहना रोड पर छोटे लोडिंग वाहन खड़े कर रास्ता जाम कर दिया। आक्रोशित किसानों का आरोप था कि मंडी सचिव और व्यापारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि मंडी में नियम बना है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को छोटे लोडिंग वाहन, ऑटो टैक्सी और पिकअप में अपनी उपज बेचने वाले किसानों की फसलों पर पहले डाक बोली लगाई जाएगी, लेकिन मंडी सचिव की मनमानी के कारण व्यापारियों द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते आक्रोशित किसानों ने जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बेराड़ थाना पुलिस ने किसानों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। इस दौरान करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ट्रैक्टर में डाक लगा रहा है, जे कहा टैक्सी भाई एक्सचेंज कराओ, चली जाओ ट्रैक्टर भेजे छुट्टी के लिए, ऑफिस जो गया चल जाओ, बेचे जाओ बेचे ले रोटा ले आओ तुम। पहले हम अब पाँच पाँच दो दो क्विंटल माल वाला किसान कहाँ जाएगा भाई साहब? गाड़ी समय टेम्पू है, दो पहिया का तीन पहिया का वाहन है, वो कहाँ जाएगा भाई साहब? छः बजे तक कहाँ रखेगा इसको? और फिर नियम तुमने मनाया तीन दिन के सोमवार और बुधवार को टैक्सी भी चाहिए, अब वो ट्रैक्टर में डाक लगा रहे हैं, टैक्सी भाई लोटा ले जाओ, क्या करेंगे हम? सही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।